हमारे पहाड़ टूट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार सत्ता पर बनी हुई है जो जलवायु परिवर्तन को चुनौती ही नहीं मानती। एक बारिश और देखिए हमारे पहाड़ों, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल, किस तरह से प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और अगर मैदानी इलाकों में भी देखें तो हम दिल्ली में नजारा देख चुके हैं, जयपुर में भी वही नजारा दिखाई दे रहा है, मगर क्या कोई सुन रहा है? सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, मंडी का वीडियो है। देखिए किस तरह से पूरे के पूरे मकान जो हैं वो नदी में गिर जाते हैं। यह नजारा बहुत खौफनाक है, देखिए वीडियो। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हुआ, क्योंकि नदी में बहाव बहुत तेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में, नदी का बहाव देखिए, अगर कोई व्यक्ति किनारे भी खड़ा होगा तो वो भी बह जाएगा। तो इस बहाव का जो रौद्र रूप है, मकानों का गिरना तो स्वाभाविक है, हर तरफ यही नजारा दिखाई दे रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बात का ख्याल है? कब जागेंगे हम? आप और हम पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अरे किसी ना किसी की तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमारे पहाड़ों को काट के रोड्स बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काट के रोड्स बनाए जा रहे हैं, मगर कोई सवाल सरकार से नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और नजारा दिखाना चाहता हूं। यह नजारा दोस्तों पार्वती नदी पर बादल फटने के बाद का नजारा देखिए, एक पुल के नीचे से पानी किस तेजी से बह रहा है। पाले भुंतर ब्रिज के साथ पानी टच होने को ही है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, ये भुंतर की है ब्रो, भुंतर। मलाना डैम टूट चुका है, मलाना डैम टूट चुका है। और देखिए पानी का फ्लोर देखिए, और सोलंग वैली में भी बादल फटा हुआ है। ब्यास और पार्वती नदी का पानी बहुत उफान से आया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी पड़ा हुआ है। पुल टूटने की कगार में है, टूट सकता है कभी भी, बहुत फ्लोर है पानी का। इसको शेयर करके वीडियो भेजो लोगों को, पानी से दूर रहे और साइड हो जाए। ओ घुस गया पानी, पानी घुस गया इधर भी। ओ तेरी, ये क्या है, पीछे रहो पीछे। ये भाई रात को टूट चुका है, सुबह का टाइम था तब टूटा है। दूसरा भी टूटने की कगार में है, बोल रहे हैं कि छोड़ रहे हैं डैम। और अभी देखो पानी ऊपर घुस चुका है, पानी का रफ्तार देखो कैसा है। जो लोग वहां खड़े हुए हैं वो सिहरन के साथ, डर के साथ उस नजारे को देख रहे हैं। जो लोग वहां रहते हैं वो जानते हैं कि उनका भविष्य अंधकारमय भविष्य है। कब पानी का रुख मुड़ जाए और उनके मकानों को बहाकर ले जाए, हम नहीं जानते हैं। उत्तराखंड में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड हिमाचल दोनों जगह बादल फटे हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू मनाली में करीब 50 लोग, तो मंडी में करीब 31 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड को लेकर क्या खबर आ रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
देर शाम लगातार हुई बारिश से सोन प्रयाग से गौरी कुंड तक कई जगह रास्ता टूट गया है और सड़क के हिस्से पानी में बह गए हैं। यहां तक कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आज चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। दरअसल बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग में भीम बली के गदेरे में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। रास्ते में भारी मलबा और बोल्डर गिरे हैं। पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 150 से 200 यात्री वहां फंसे बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये एनडीटीवी का वीडियो है। एनडीटीवी इसमें कह रहा है हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहां कुल्लू के निर्मंड ब्लॉक, मलाणा और मंडी जिले में बादल फट गए हैं। बादल फटने से कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही करीब 51 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 4 के शव भी मिले हैं। और जो 51 लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है इस नजारे के बाद वो बचे होंगे? कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, मगर ये वीडियो देखिए, खौफ और सिहरन से भरा ये वीडियो। और मंडी के अंदर ये भंवर देखिए, ये भंवर जो है दोस्तों पंडो डैम का बताया जा रहा है। पत्रकार इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो आप भंवर देख रहे हैं मंडी के पंडो डैम में, सोचिए आसपास जो लोग हैं उनमें किस तरह का खौफ, किस तरह का सिहरन होगा। देखिए ये वीडियो। हर तरफ लगभग यही नजारा हमारे पहाड़ों में दिख रहा है दोस्तों, हर तरफ ये नजारा दिख रहा है। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो पेश किया है। वो कहते हैं उत्तराखंड सोनप्रयाग में रात ही में होटल लॉज खाली करवाए गए हैं। गौरी कुंड में आपदा के बाद मंदाकिनी नदी में जबरदस्त बाढ़ आई है। यह वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने बनाए हैं। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और इस वीडियो में क्या बातचीत की जा रही है उससे आपको कहानी का पता चलेगा। सारे दुकान टुकड़े सब बंद कर रहे हैं।
और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया किस तरह से केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग बंद कर दिया गया है। वहां पर लोग फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर भी बादल फटा है और वहां से एक और खौफनाक तस्वीर आई है। देखिए वो तस्वीर क्या कह रही है। हर तरफ ये नजारा दिखाई दे रहा है और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पहाड़ों में हो रहा है। दिल्ली में क्या मंजर था मैं आपको दिखा चुका हूं, लखनऊ में क्या मंजर था मैं आपको दिखला चुका हूं। लखनऊ में विधानसभा पानी से भर गया है, दिल्ली में नई जो संसद भवन बनी है वहां पानी टपटप कर रहा है, ओल्ड राजेंद्र नगर पानी से लबालब, जहां कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले तीन छात्रों की मौत हो गई थी बेसमेंट में पानी भरने से। अब मैं आपको चंडीगढ़ की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर है। ऋषुराज सिंह पत्रकार हैं अमर उजाला के, उन्होंने ये वीडियो पेश किया है। मगर ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताता हूं इस खबर में जानकारी क्या है। चंडीगढ़ से सटे नया गांव में शहीद भगत सिंह चौक के पास एमसी के कर्मचारियों ने 10 फीट का गड्ढा खोदा, लेकिन ना साइन बोर्ड लगाया ना उसे भरा, बारिश में पानी भर गया। एक महिला और 14 साल का स्कूल जाने वाला बच्चा इसमें गिर गया। ये वीडियो देखिए फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। एक्चुअली ना ये उतर गई एक्टिवा से, इसने ये बड़ी समझदारी की, अगर ये एक्टिवा समेट जाती है सीधा मुंह इसका पानी में था, सीधा मुंह इसका पानी में था। ठीक है ये मैं कल बहुत है 30 सेकंड दी ना चलो एक्टिवा थल जाएगी, नहीं नहीं उड़ी सी तक पहले देख रहे लेडीज निकलती क्यों है, पहले लेडीज नु कटिया सही गल है, रुड़ गई एक्टिवा अंदर। मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि ये लोग बच पाए या नहीं बच पाए। यहां पर साफ तौर पर आपराधिक उदासीनता दिखाई दी, लापरवाही दिखाई दी। शुक्र है लोग आए और उन्होंने बचा लिया। ये चंडीगढ़ की हालत है दोस्तों, मैदानी इलाका। अब देखिए जिस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का एक छत्रराज है, जयपुर मैदानी इलाका, देखिए क्या नजारा है। ये नजारा दिखाई दे रहा है जयपुर एयरपोर्ट का, और जयपुर में भी इस वक्त आप कई जगहों पर यही हालत देखेंगे। ये है हमारी पॉलिसी मेकर्स की पोल खोल, आज से नहीं 70 सालों से। अगर इतने दिनों बाद भी ये सब नजारे हम देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहाड़ों की अगर हम बात करें, मसूरी की बात करें, मसूरी में जो भी विकास हुआ है वो अंग्रेजों के वक्त हुआ था। मसूरी में हर साल लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, वहां बुनियादी पार्किंग को लेकर दिक्कतें होती हैं। अभी हाल में नई पार्किंग बनाई गई, मगर मसूरी में जो लगातार चुनौती पेश आ रही है क्या उसका कोई समाधान खोज रहा है? आपने देहरादून से पहले पहाड़ों को काटकर आप सड़क बना रहे हैं, आपसे किसी ने सवाल नहीं किया, कोई पर्यावरणविद भाजपा से सवाल नहीं कर रहा है कि आप पहाड़ों को काटकर देहरादून से पहले रोड क्यों बना रहे हैं। क्या आपने इसको लेकर चर्चा की? क्या इस बात की चर्चा हुई कि अगर आप पहाड़ काटेंगे तो कल को कोई इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है? ये अहम सवाल है ना, जो पूछे जाने चाहिए मगर नहीं पूछे जा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है, केदारनाथ में देखिए, मंडी में देखिए,
तमाम डैम्स का रौद रूप देखिए, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये एक अरसे से हो रहा था, इसकी चेतावनी आज से नहीं कई सालों से दिखाई दे रही थी। फर्क यह है दोस्तों कि 10 साल पहले हम ये मुद्दे उठाया करते थे, डरते नहीं थे, अब पर्यावरणविद ये मुद्दे उठाने से डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मुद्दे उठाएंगे और उसके बाद क्या होने वाला है उनके साथ। हर किसी में ये सवाल उठाने का मादा नहीं है, ये मुद्दे आप तक लाने की हिम्मत नहीं है, मगर हम वो सवाल उठाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।